नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ मनोवैज्ञानिक जानकारी लेकर आए हैं। बच्चों में अच्छी आदतें। बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही सब कुछ सीखते हैं, जैसे आदतें, तौर तरीके, बोलचाल इत्यादि। बच्चों के लिए उनके माता पिता हमेशा उनके उदाहरण होते हैं। कभी कभी मुसीबत पड़ने पर वो उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन का पालन भी करते हैं और बच्चों को छोटी उम्र से ही यह आदत पड़ जाती है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, वह अपने माता पिता के व्यवहार और कार्यों का अनुकरण करते हैं। बच्चों के लिए उनके माता पिता आदर्श होते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और आदतें भी बच्चों में आ जाती है। इसलिए बच्चों को अच्छी और बुरी आदतों के बीच का अंतर समझाना और अच्छी आदतों को अपनाने के लिए कहना जरूरी होता है। बच्चों में यह अच्छी आदतें होना आवश्यक है। बच्चों को सही शिष्टाचार और अच्छी आदतें सिखाना मुश्किल कार्य महसूस हो सकता है, लेकिन आप धैर्य रखें और उन्हें सही रास्ते की ओर ले जाएं। ये बातें अच्छी आदतें मानी जाती हैं, जो बच्चों में होनी चाहिए। बच्चों में अच्छी आदतें। स्वस्थ खान पान। भोजन को रंग बिरंगा बनाएं। बच्चे ज्यादातर फास्ट फूड, चिप्स, मिठाई, बिस्कुट और चॉकलेट की मांग करते हैं। आपको उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि स्वस्थ भोजन भी उतना ही स्वादिष्ट हो सकता है। उन्हें नूडल्स, पास्ता, केक, कुकीज और पिज्जा घर पर बना कर खिलाएं। बच्चों में स्वस्थ खान पान की आदत को विकसित करने के लिए रंग बिरंगे व्यंजन बनाएं। लक्ष्य स्थापित करें कि हफ्ते के हर दिन इंद्रधनुष के रंगों में से किसी एक रंग का खाना उन्हें खाना पड़ेगा। बच्चों में अच्छी आदतें। शारीरिक श्रम वाले काम। बच्चों को बैठने के लिए प्रोत्साहित न करें, उन्हें चलने फिरने दें। अपने बच्चों को बैठे रहने और सोफा पर आराम करने और टेलीविजन देखने की अनुमति देना। माता पिता के रूप में आपकी ओर से एक बड़ी गलती होगी, अपने बच्चों को एक स्थानबद्ध जीवन शैली न अपनाने दे। उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करें, चाहे टहलने या व्यायाम करने या बाहर जाकर खेलने के लिए। आप पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन करें, इसे कुछ मजेदार बनाएं और अपने बच्चों को इसमें शामिल करें। अपने बच्चों को समझाएं कि पूरे समय एक ही स्थान पर बैठे रहकर टीवी देखते रहने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्थानबद्ध जीवन शैली के कारण जो स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं, वह है मोटापा, नींद न आना, ध्यान संबंधी विकार, भावनात्मक और सामाजिक समस्याएं। बच्चों में अच्छी आदतें। खाद्य में मौजूद पोषक तत्व की मात्रा के लेबल पर ध्यान दें, न कि उसके डिजाइन पर। बच्चों को खाद्य लेबल पढ़ने और समझने के लिए प्रोत्साहित करें। एक निश्चित उम्र में, विशेष रूप से उनके किशोरावस्था के आसपास, आपका बच्चा अपने कपड़ों के लेबल में रुचि लेने लगता है। अपने बच्चों को उन अधिक महत्वपूर्ण लेबलों के बारे में शिक्षित करना शुरू करें, जिन पर उन्हें कम उम्र से ही ध्यान देना चाहिए, जैसे खाने की चीजों पर लगे लेबल। जब उन्हें यह आदत पड़ जाए, तो उन्हें इसी तरह से भोजन के पोषक तत्वों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थ दिखाएं और उस पर लिखी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर उनका ध्यान आकर्षित करें। उन लेबलों को पढ़ना, पोषण मूल्य का विश्लेषण करना और फिर उसके महत्व को तय करने की आदत उन्हें डालें। उन्हें संतृप्त और असंतृप्त वसा, शक्कर, कैलोरी और कार्ब्स की मात्रा जैसे प्रमुख तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में समझाएं। आपके सक्रिय प्रयास अच्छी आदतों को विकसित करने में मदद करेंगे, जो वे जीवन भर पालन करते रहेंगे। बच्चों में अच्छी आदतें। परिवार के सभी सदस्यों के साथ भोजन का आनंद लें। साथ में डिनर के समय का आनंद लेना अपनी प्राथमिकता बनाएं। आज हमारा जीवन जितना व्यस्त रहता है, उसमें परिवार और बड़ों के साथ मूल्यवान समय बिताने के लिए शायद ही किसी के पास फुर्सत रहती है। एक व्यस्त कार्य जीवन के कारण हो सकता है,
कि आप बच्चों के साथ बैठकर उनकी कहानियों और व्यक्तिगत मुद्दों को सुनने का समय न निकाल सके। अपने परिवार के सदस्यों के साथ डिनर के समय का आनंद लेना अपनी प्राथमिकता बनाए। आप कई चीजों पर चर्चा कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं। इससे आपके बच्चों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। एक साथ बैठकर खाने के अन्य लाभों में शामिल है, बच्चे सहज होने लगते हैं और परिवार में अच्छा तालमेल रहता है। बच्चे खान पान की अच्छी आदतें विकसित करते हैं और बड़ों के साथ खाते समय जंक फूड खाने से बचते हैं। लोगों के बीच संबंध मजबूत होते हैं। बच्चों में अच्छी आदतें, स्वस्थ हाइड्रेशन, पानी पिए, सोडा नहीं। छोटे बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण करते हुए शीतल पेय पीना आम तौर पर देखा जाता है। आपको अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए और सादा पानी पीने और सोडा से बचने के महत्व को सुदृढ़ करना चाहिए। बच्चों को बताएं कि पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और यह कई बीमारियों से छुटकारा पाने में मदद करता है, जबकि शीतल पेय अस्वास्थ्यकर होते हैं क्योंकि उनमें बहुत अधिक मात्रा में चीनी होती है जो कैलोरी को बढ़ाते हैं, जिससे वजन बढ़ता है। उन्हें शिक्षित करें कि पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है और उचित हाइड्रेशन स्तर बनाए रखने के लिए पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए। जब आपके बच्चे समझेंगे कि उनके शरीर के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है, तो वे नुकसानदायक पेय के बजाय पानी को चुनेंगे। बच्चों में अच्छी आदतें, अपनी चीजें व्यवस्थित करना। अपने बढ़ते बच्चों के लिए एक साफ सुथरा व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराएं। बच्चों को बचपन से ही स्वच्छता जरूर सिखाई जानी चाहिए। बच्चों के आसपास चीजों को ठीक से व्यवस्थित करके स्वच्छता सिखाना शुरू करें। जब वे चीजों को व्यवस्थित देखने के आदि हो जाएंगे, तो वे उन्हें भी उसी तरह रखना चाहेंगे। जब वे थोड़े बड़े हो जाएं, तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं और गंदगी को साफ करने और उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए समय निर्धारित करें। नियमित रूप से ऐसा करने से वह जल्द ही सीख जाएंगे और अपनी चीजों को स्वयं व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। बच्चों में अच्छी आदतें, रुपए पैसे को लेकर जिम्मेदार बनाएं। उनके लिए बजट निर्धारित करें। जैसे ही आपके बच्चे इतने जिम्मेदार बन जाएं कि वह जाकर सामान खरीदने के लिए रुपए पैसे का उपयोग कर सके, तब आप उन्हें कड़ी मेहनत की कमाई के मूल्य के बारे में शिक्षित करना शुरू करें। आप अपने बच्चों को पैसे बचाने की आदत डालने के लिए उन्हें कभी कभी पॉकेट मनी दे सकते हैं या उनके साथ मिलकर गुल्लक में पैसे रख सकते हैं। बच्चों को निर्धारित राशि दे और उन्हें अपने खर्चों का प्रबंधन करने और पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करें। इस तरह आपके बच्चे रुपए पैसे का मूल्य समझेंगे और बचत करना शुरू करेंगे। बच्चों में अच्छी आदतें, एक दूसरे के साथ बांटना ही ख्याल रखना है। घर पर साझा करने की आदत को प्रोत्साहित करके शुरू करें। बच्चों को कुछ चीजों का मूल्य समझ आना चाहिए, उन्हें आभारी होना सीखना चाहिए और इतना विनम्र होना चाहिए कि वे उन लोगों के साथ चीजों को साझा करें जो उन चीजों को खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखते। उन्हें उन अमूर्त चीजों के बारे में भी सिखाएं जिन्हें साझा किया जा सकता है, जैसे कि भावनाएं, उमंग और कहानियां। बच्चे पहले अपने परिवार के साथ साझा करना सीखेंगे। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चचेरे भाई बहन, विस्तारित परिवार के साथ और फिर अन्य लोगों के साथ बांटने की यह आदत उसे एक बेहतर इंसान बनाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।